बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे 5 से 7 का लेक्चर नंबर 21। इसके हेडिंग है कॉन्सोनेंटल गेस्चर्स, पार्ट वन है उसका दिया गया है, ठीक है। इसमें मोस्टली जो चीज़ें हैं इस चैप्टर के अंदर वो हमने पहले डिस्कस की हुई हैं, वो मैंने बहुत ज़्यादा डीपली आपको पहले बताया हुआ है हर चीज़ का, ठीक है। और अगर आप लेक्चर वन से लेके 5 तक अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो आपको ये चैप्टर भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वही चीज़ें इसमें पीछे वाली ही रिपीट हो रही हैं, आधे से ज़्यादा चैप्टर उसी पे है, ठीक है। तो अब इसके टॉपिक है 104 कॉन्सोनेंटल गेस्चर्स। और अब हमें सबसे पहले तो समझने की ज़रूरत है कि गेस्चर्स क्या होते हैं। गेस्चर्स होते हैं ये स्पीच साउंड यूज बेसिक यूनिट्स इन फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, दैट इज कॉल्ड गेस्चर्स। जो स्पीच साउंड्स होती हैं वो आपका बेसिक यूनिट होता है फोनेटिक्स का एंड फोनोलॉजी का, ठीक है, जिसको हम गेस्चर्स बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसमें क्या लिखा हुआ है, इन फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी स्पीच साउंड्स यूजिंग बेसिक यूनिट्स ऑफ कॉन्सोनेंट डिफाइन एज गेस्चर्स, ठीक है। बेसिक यूनिट्स होते हैं फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी के, स्पीच साउंड होते हैं वो आपके गेस्चर्स होते हैं। दे आर ट्रीटेड एज कैटेगरी ऑफ आर्टिकुलेशन इवेंट्स विद एन एब्स्ट्रैक्ट टाइम एंड डायमेंशन। ये जो होते हैं वो ट्रीट करते हैं आपके एक एब्स्ट्रैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के बुनियाद पर, ठीक है। और इसके बाद साउंड्स आर यूज टू डिस्क्राइब द फोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्पेसिफिक लैंग्वेज। आपके साउंड जो साउंड इस्तेमाल करते हैं वो डिस्क्राइब की जाती हैं फोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर में, ठीक है, और स्पेसिफिक लैंग्वेज में, एंड अकाउंट फॉर फोनोलॉजिकल वेरिएशन और या फिर फोनोलॉजिकल वेरिएशन में इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। इनको इसमें डिस्क्राइब किया जाता है, मतलब आप देख सकते हैं ना साउंड्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं। फोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर में भी इस्तेमाल होती हैं, लैंग्वेज के अंदर आपकी साउंड इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, और बहुत सारी फोनोलॉजिकल वेरिएशन में भी इस्तेमाल की जाती हैं। इन दिस टाइप ऑफ डिस्क्रिप्शन इन फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी साउंड्स आर द अंडरलाइन यूनिट्स विच आर रिपीटेड बाई क्लासेज ऑफ फंक्शनैलिटी मूवमेंट पैटर्न्स। इसमें क्या होता है, ये जो टाइप्स होती हैं डिस्क्रिप्शन फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी में, इसमें साउंड यूज की जाती हैं जो अंडरलाइन यूनिट होते हैं किसी भी फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी के अंदर, ठीक है। जो अंडरलाइन साउंड होती हैं, अंडरलाइन यूनिट्स होते हैं जो कि रिपीट होते रहते हैं, ठीक है, उनको आप गेस्चर्स का नाम देते हैं, ठीक है। और बस इसमें यही बताया गया, गेस्चर्स के बारे में ही बताया गया आपको। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आर्टिकुलेटरी टारगेट्स आ जाते हैं। अ नंबर ऑफ द पॉसिबल प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन दैट आर यूज्ड इन द लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड हैव बीन डिफाइंड। सो इन दिस, मतलब इसमें पॉसिबल प्लेसेस आर्टिकुलेशन किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, कैसे इस्तेमाल होते हैं लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। और इस कोर्स में उसके बारे में बताया गया। आगे आता है ट्रेडिशनल टर्म्स विच आर यूज फॉर ऑल द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन आर नॉट जस्ट नेम्स फॉर पार्टिकुलर लोकेशन। इसमें ट्रेडिशनल टर्म्स के अंदर ये इस्तेमाल किए जाते हैं एक आर्टिकुलेशन प्लेस के लिए इस्तेमाल, ना सिर्फ आर्टिकुलेशन प्लेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं बल्कि इनमें नेम्स पार्टिकुलर लोकेशन और नेम्स का भी इनमें इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मतलब ट्रेडिशनल टर्म के में इनका जो आर्टिकुलेशन का जो, ना सिर्फ उनको एक प्लेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है बल्कि उनको नेम और लोकेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है जो आर्टिकुलेशंस होते हैं, ठीक है। जैसे ऑन द रूट ऑफ द माउथ, ठीक है, ऑन द रूफ, यानी कि लोकेशन में भी इसमें बताया जाता है आर्टिकुलेशन के अंदर, और उसके अलावा इसमें नेम्स और हर चीज़ इसमें बताई जाती है। अब है दे शुड बी थॉट ऑफ एज अ नेम ऑफ आर्टिकुलेशन टारगेट्स। अ लार्ज नंबर ऑफ नॉन इंग्लिश साउंड्स आर बी फाउंड इन अदर लैंग्वेज, एरियन एंड अफ्रीकन लैंग्वेज। अब बहुत से नॉन इंग्लिश साउंड्स होती हैं जो कि मौजूद होती हैं लैंग्वेज के अंदर, जैसे ईरानियन में देख लें, ईरान में, ठीक है, और अफ्रीकन लैंग्वेज होती हैं इनमें देख लें तो इसमें नॉन इंग्लिश साउंड्स इस्तेमाल की जाती हैं। और जो लैंग्वेज के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो कि नॉन इंग्लिश साउंड्स होती हैं, मैनी ऑफ देम इनवॉल्व यूजिंग अ स्टैंडर्ड टारगेट और द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन इज डिफरेंट फ्रॉम एनी सिमिलर साउंड्स इन इंग्लिश, ठीक है। और इसमें बस वही चीज़ें बताई गई हैं। अब टाइप ऑफ आर्टिकुलेशन गेस्चर आपको बताया गया है, बाइलेबियल गेस्चर है सबसे पहले, ठीक है। अब बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ गेस्चर एज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द आर्टिकुलेशन ऑफ वेरियस स्पीच साउंड्स इज कॉन्ट्रास्ट विद इंग्लिश वंस। अब जो हमने डेफिनेशन, इसकी बेस्ट डेफिनेशन है गेस्चर की, उसकी आर्टिकुलेशन जो होती है वेरियस जो स्पीच साउंड होते हैं वो कॉन्ट्रास्ट होती है इंग्लिश के साथ, ठीक है। द पॉसिबल टाइप्स ऑफ आर्टिकुलेशन गेस्चर आर गिवन हियर। इसमें अब बाइलेबियल गेस्चर आ गया,
और उसके बाद हमारे पास लाइक डेंटल फ्रिकेटिव्स आ गया, डेंटल आ गया, एलिवेलर आ गया, रिट्रोफ्लेक्स आ गया, ठीक है, और प्लेटो एल्वोलर एंड प्लेटल आ गया, और उसके बाद ये स्टॉप्स आ गया टॉपिक, मतलब ये सारे पीछे अगर 1 से 5 आप लेक्चर को अच्छे से आपको क्लियर हो जाते हैं तो आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत मैंने डीपली इन चीज़ों को डिफाइन किया हुआ है। स्टॉप्स आ गया, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव, उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाती है, सैम्पल्स आ जाते हैं, और उसके बाद लैंग्वेज आ जाती है, और उसमें आपको लैंग्वेज में वर्ड दिए गए हैं कि वॉइस है, अनवॉइसड है, और उसके सैम्पल क्या होते हैं वो दिए गए हैं आपको, नेसल्स के बारे में, फ्रिकेटिव्स के बारे में, तो ये सारा पीछे हमने डिस्कस किया हुआ है। तो इसको समझने के लिए आप लेक्चर 1 से लेकर 5 तक उनको क्लियर करें, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 1 से लेकर 5 तक लिंक जो है वो मेंशन कर देती हूँ, आप वहाँ से जो है वो लेक्चर्स लें और आपको अच्छे से ये फिर सारा क्लियर हो जाएगा। बाकी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने सारे हाईलाइट कर दी हैं। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके हैं ना टाइप्स ऑफ आर्टिकुलेशन गेस्चर्स, इनको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो इनको समझने के लिए आपने वो लेक्चर लें तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को फ़ायदा उसका मिले। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।